नमस्ते दोस्तों, टाटा मोटर्स मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस Bs6 ट्रेनिंग मॉड्यूल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे देश में प्रदूषण की समस्या बहुत गहरी होती जा रही है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से ना सिर्फ प्रकृति पर बल्कि हमारे सेहत पर भी बुरा असर हो रहा है। भारत सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर नियम जारी किए हैं। इन नियमों को भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स कहते हैं और इन्हें Bs से संबोधित किया जाता है। देश में अब तक Bs1 से लेकर Bs4 तक के नियम लागू हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2020 से Bs6 के नियम लागू होंगे। इंजन के धुएं में चार प्रमुख हानिकारक घटक होते हैं, HC यानी हाइड्रोकार्बन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, PM यानी पार्टिकुलेट मैटर और NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारत स्टेज नॉर्म्स में हर घटक की सीमा पिछले स्टेज से कम की जाती है। अब हम देखेंगे कि कौन से घटक की सीमा Bs6 में कितने प्रतिशत से कम की गई है। Bs6 में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर की सीमा में कमी की गई है। Bs4 के मुकाबले Bs6 में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सीमा में 90% कमी की गई है, जबकि हाइड्रोकार्बन में 71% और पार्टिकुलेट मैटर में 50% की कमी की गई है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हमने भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स को समझा और ये जाना कि Bs4 के मुकाबले Bs6 में धुएं के हानिकारक घटक की सीमा कैसे कम की गई है। शुक्रिया।